अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सेकंड ईयर के नॉवल मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। अब चैप्टर नंबर 9 तक मिस्टर चिप्स की कैथरीन की वफ़ात के बाद जो लाइफ थी उसकी कुछ डिस्कशन हो रही थी। अब उसी को आगे थोड़ा लेके चल रहे हैं कि चैप्टर 10 की जो स्टार्ट इन्होंने किया वो एक थोड़े हादसे से की है कि जब मिस्टर ब्रूकफील्ड के जो हेड मास्टर थे जिनका नाम था मेल्ड्रम, वो फोत हो गए थे। और जो मेल्ड्रम हैं ये वो हैं जिन्होंने वेदर बॉय को, जिन्होंने मिस्टर चिप्स को हायर किया था ब्रूकफील्ड में, उनके हेड के तौर पे सक्सीड किया था और ये नमूनिया से फोत हुए थे। और वो ब्रूकफील्ड को तकरीबन वहाँ पे 30 साल से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। तो अब वो फोत हो गए थे और अचानक से फोत हुए थे, तो उनकी जगह लेने के लिए एक्टिंग हेड के तौर पर गवर्नर्स जो थे उन्होंने मिस्टर चिप्स को बना दिया। मिस्टर चिप्स जो हैं अब एक्टिंग हेड थे, मतलब के एक टेम्प्ररी हेड थे ब्रूकफील्ड के, क्योंकि वो सबसे सीनियर टीचर थे। अब वहाँ पर हल्का फुल्का चांस था कि शायद गवर्नर्स जो हैं मिस्टर चिप्स को परमानेंट हेडशिप दे दें। हाउएवर मिस्टर चिप्स जो हैं वो अपनी उम्मीदें ज़्यादा ऊपर नहीं लेके गए और उसके बाद नया हेड मास्टर वो लेकर आए थे जिसका नाम था रॉल्सटन। एक 37 ईयर ओल्ड ये यंग बंदा था और इसकी ऐसी इन्होंने पर्सनैलिटी बताई है कि बहुत ही डिसिप्लिनड और हार्श पर्सनैलिटी का था और इसका बहुत ही रोब था कि स्टूडेंट्स का पूरा हॉल भी भरा हुआ होता था तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी आईब्रो को लिफ्ट करता था और तमाम हॉल खामोश हो जाता था, ऐसा रोब था इस बंदे का। फिर जब रॉस्टन आया था तो उसके बाद एक इन्होंने अनाउंसमेंट बताई है कि उन्हीं दिनों किंग एडवर्ड थे, किंग एडवर्ड 7th, वो फोत हो गए थे। कि एक सुबह जो है रॉस्टर ने तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को बड़े हॉल में बुलाया और उनको बताया कि किंग एडवर्ड जो हैं 7th वो फोत हो गए, तो आज कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो नहीं होंगी उनके एहतराम में। किंग एडवर्ड 7th थे जो फोत हुए थे। अब मिस्टर चिप्स अपनी यादों के अंदर ही मसरूफ हैं सारी, तो बताते हैं कि उन दिनों कोई रेलवे की स्ट्राइक भी हुई थी कि जितने भी रेलवे के थे मुलाजमीन वो स्ट्राइक पे चले गए थे, हड़ताल पे थे, और ब्रूकफील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ड्यूटी लगी थी जो ट्रैक्स हैं रेलवे ट्रैक्स उनकी हिफाजत के लिए। अब यह कि जितने भी थे वो मुजाहिरीन, तो कुछ इश्तियाल अंगेज भी थे जो पथराव किया करते थे ट्रेन के ऊपर चलते हुए, तो सारा कुछ सिस्टम जो उस वक्त आर्मी ने फौजियों ने संभाला हुआ था। खैर अब ट्रैक की हिफाजत के लिए स्टूडेंट्स थे तो कुछ स्टूडेंट जो वो बड़ा परेशान थे कि अगर कोई यहाँ पर आ गए मुजाहिरीन वगैरह तो हम क्या करेंगे। इधर वे एक लड़का था जिसका नाम था क्रिकलेज, तो वो मिस्टर चिप्स के पास आया तो मिस्टर चिप्स से पूछता है सर अगर वहाँ पे ये मुजाहिरीन आ गए, वो स्ट्राइकर्स आ गए रेलवे के, तो हम लोग क्या करेंगे। तो मिस्टर चिप्स कहते हैं वो बच्चा जो है उन रेलवे के मुलाजमीन की ऐसे बात करता जैसे कोई बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का जानवर आ जाएगा। तो मिस्टर चिप्स ने कहा आप किसी एक वो मिलना चाहोगे स्ट्राइकर से। फिर मिस्टर चिप्स के साथ एक बंदा खड़ा होता है तो मिस्टर चिप्स बताते हैं कि इनसे मिलो, ये भी उन स्ट्राइकर्स में से एक हैं जो कि रेलवे के मुलाजिम हैं, तो उस वक्त ये स्ट्राइक में। स्टूडेंट तो बड़ा हैरान परेशान होता है कि ये जैसे पता नहीं हमारा दुश्मन था तो मिस्टर चिप्स से दोस्ती करके बैठे हुए हैं, लेकिन मिस्टर चिप्स से वो डिफरेंट पर्सनैलिटी के मालिक हैं और उनको ज़्यादा जो है अपने वतन से ही मोहब्बत है और वो किसी को बुरा भला नहीं कहते। अब वो दुनिया को मिस कैथरीन की जो आंखें थी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी नज़रों से देखते हैं कि अब मिस कैथरीन होती तो वो क्या करती हैं ऐसे हालात में, क्योंकि वो एक अच्छे काइंड हार्टेड वुमेन थी, तो वैसे ही मिस्टर चिप्स भी अब एक्ट करते हैं। तो वहाँ पर उल्टा एक स्ट्राइकर के साथ ही खड़े हुए मिस्टर चिप्स जो हैं वो डिस्कशन कर रहे थे। फिर अब मिस्टर चिप्स क्योंकि अपने इंग्लैंड से बहुत मोहब्बत करते थे तो वो उनको याद है जब डायमंड जुबली थी इंग्लैंड की, तो एक प्रोसेशन को देखने के लिए मिस कैथरीन को लेके मिस्टर चिप्स इंग्लैंड लंदन में गए थे वो प्रोसेशन देखने के लिए। इसके बाद मिस्टर चिप्स बहुत से वाक़यात भी याद कर सकते हैं जो कि हुए थे, बहुत से पॉलिटिकल चेंजेस और जो जो न्यूज़ वगैरह में ख़बरें आती रही हैं कि उन सालों में कि बहुत से बड़े बड़े वाक़यात रहे जो कि ख़बरों में रहे हैं और बहुत से लोगों को उन्होंने परेशान करके रखा हुआ था। खैर जो गोल्डन जुबली का दिन था इसमें यह कि स्कूल जो है वो भी बंद था और वो कैथी को लंदन लेके गए थे। इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि डायमंड जुबली क्या था और मिस्टर चिप्स ने क्या किया था उस दिन। कैथी को लेके लंदन गए थे, ब्रूकफील्ड क्लोज था उस दिन, प्रोसेशन को देखने के लिए गए थे। अब इसके अलावा मिस्टर चिप्स और भी बहुत से जो हैं वाक़यात वगैरह उनको भी याद कर सकते हैं, जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स थे, स्ट्राइक्स थी, लॉकआउट्स थे, कुछ जितने भी अनएम्प्लॉयड मार्चेस वगैरह थे उनकी स्ट्राइक्स वगैरह होती रही हैं, कुछ चाइनीज़ लेबर्स के भी प्रॉब्लम थे, कुछ टैरिफ जो है उनकी रिफॉर्मेशन हुई थी उसके प्रॉब्लम थे एट्सेट्रा,
ये तमाम चीज़ें जो हैं मिस्टर चिप्स के जहन में थी और मिस्टर चिप्स अभी भी याद कर सकते थे। तो उनको उन्हीं हालात में जो ज़रा बुरे से हालात चल रहे थे दिन, उनमें एक लड़का याद था जिसका नाम था ग्रेसन। अब जो ग्रेसन है ये कुछ दिनों से ही वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल, ही वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ मिस्टर चिप्स। तो मिस्टर चिप्स ने एक दिन उसको बुलाया, उसको कहा कि अभी जिस तरह से तुम्हारी परफॉर्मेंस चल रही है तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो लेकिन ना वो बड़ा परेशान था। तो बाद में फिर मिस्टर चिप्स को पता चला कि वो परेशान इसलिए था क्योंकि ग्रेसन का जो बाप था वो टाइटैनिक के जहाज पर बैठ के तो गया हुआ था। टाइटैनिक के बारे में अगर आप नहीं जानते तो एक हिस्ट्री देता हूँ। टाइटैनिक एक बहुत बड़ा जहाज था, बहरी जहाज, जो कि समंदर में जब अपनी पहली बार वो निकला था, अपने पहले सफ़र में ही वो डूब गया था और उसमें बहुत से लोग फोत हुए थे। तो वो भी उन्हीं सदियों की बात है, 19वीं सदी की। मिस्टर चिप्स को पता चला कि ग्रेसन जो है उसका बाप भी टाइटैनिक के ऊपर बैठा हुआ था जिसकी खबर आई थी कि वो डूब गया। तो सारे के सारे जो हैं मिस्टर चिप्स भी और दूसरे स्टूडेंट्स भी ग्रेसन के साथ काफ़ी एक कह लें अच्छे रहे, थोड़ा नम रवैया रखा, उसको तसलियाँ भी देते रहे। इधर वे बाद में खबर आई कि जो ग्रेसन है उसका जो फादर है, फादर था एक्चुअली टाइटैनिक के ऊपर, तो ही हैड सर्वाइव्ड, वो जिनको रेस्क्यू किया था टाइटैनिक, जिनको रेस्क्यू किया था उनमें से एक था ग्रेसन का बाप। तो मिस्टर चिप्स पर्सनली गए जाके ग्रेसन से मिले, हाथ मिलाया और उसको मुबारकबाद दी। चैप्टर के एंड पे फिर राइटर ने कहा है कि ये ग्रेसन सीनियर था, फिर इसके बाद एक ग्रेसन जूनियर भी आया था, तो वी कैन अज्यूम दैट ही वॉज द सन ऑफ दिस ग्रेसन। जूनियर जो आया था तो कहते हैं कि मिस्टर चिप्स को बाद में ग्रेसन जूनियर के साथ थोड़ी कंडोलेंस करनी पड़ी थी, कि उसके साथ थोड़ी ताज़ियत करनी पड़ी थी। कह सकते हैं कि ग्रेसन जो था बाद में उसका बेटा भी आया था, और जब वो शायद ब्रुकलिन में पढ़ रहा था उसी दौरान में कहीं ग्रेसन ये वाला सीनियर जो है ये फोत हुआ होगा, और उसके बेटे के साथ भी मिस्टर चिप्स ने ही ताज़ियत की थी। यहाँ पे ये वाला चैप्टर एंड होता है। इसमें डिस्कस करने वाले तकरीबन तमाम पॉइंट्स कवर कर चुके हम। इधर वे एक किंग एडवर्ड जो है वफात इनकी, इसको आपने जहन में रखना है लाजमी। मेल्ड्रम जो है, एक तो करेक्टर्स के बारे में आपको कम्प्लीट डिटेल लाजमी पता होनी चाहिए हर एक करेक्टर के बारे में। ग्रेसन कौन था, क्रिकलेट कौन था, मेल्ड्रम कौन था। अब इस चैप्टर के अंदर तीन करेक्टर्स की डिस्कशन हुई है जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते थे। हर एक करेक्टर की आपको थोड़ा नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि आप उस पर एटलीस्ट 2 से 3 लाइनें लाजमी लिख सकें। हर एक की स्टोरी का आपको आइडिया होना चाहिए। क्रिकलेट कौन था, डरा हुआ बच्चा था जो मिस्टर चिप्स के पास आया था ये पूछने के लिए कि अगर स्ट्राइकर्स ने अटैक कर दिया तो हम क्या करेंगे, और मिस्टर चिप्स ने कहा कि इधर आओ मैं तुम्हें एक जिन्होंने स्ट्राइक इवन में से एक बंदे से मिलवाता हूँ। तो वो बच्चा बड़ा परेशान हुआ था और वैसे बात कर था जैसे वो बड़े अजीब जानवर हैं, ख़तरनाक चीज़ें हैं वो मुजाहिरीन। खैर रॉस्टन भी एक पर्सनैलिटी है चौथी, ये रॉस्टन जो है अभी अगले चैप्टर में भी इसकी डिस्कशन चलती रहेगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है। इस चैप्टर के लिए इतना ही। अब तकरीबन तमाम पॉइंट्स आपको जो बता दिए गए उन्हीं के अंदर से ही क्वेश्चंस बनेंगे, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बन रह जाता। आपने एक बार कंप्लीट चैप्टर की ट्रांसलेशन को ज़रूर रीड करना है, तमाम क्वेश्चंस को एक बार आपने लिख के प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाइएगा। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।